हार्ड हैट इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण पटेल। इस वीडियो में मैं आपको पाइपिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। व्हेन इज लो स्ट्रेंथ कार्बन स्टील बोल्टिंग इज यूज, व्हेन कार्बन स्टील मटेरियल शैल यूज एंड व्हेन अलॉय स्टील मटेरियल शैल बी यूज, व्हेन आर गैल्वेनाइज्ड पाइप यूज, From which size onward nominal bore of pipe is equal to outside diameter of the pipe? What should be the radius of the long radius and short radius elbow? When long radius and short radius elbow are used? Normally, where do we use eccentric reducer and concentric reducer? From which side of the pipe will you take a branch connection? Why do we provide high point vent and low point drain in piping? What is jacketed piping? तो अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरा वीडियो लास्ट तक। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और मेरे ये वीडियो YouTube में रैंक करेगी। आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन जो कि आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हेन इज लो स्ट्रेंथ कार्बन स्टील बोल्टिंग यूज्ड? अभी जो बोल्टिंग मटेरियल आता है वो दो टाइप का आता है। पहला जो है वो लो स्ट्रेंथ एंड जो दूसरा है वो हाई स्ट्रेंथ बोल्टिंग। फ्लैंचिस जो लो प्रेशर सर्विसेज में यूज होती है जहाँ पे लो प्रेशर है, एंड नॉन मेटालिक फ्लैंचिस जैसे जीआरई जीआरपी पाइप में जो फ्लैंचिस होते हैं, एचडीपी जहाँ पे ये सारे पाइपिंग होते हैं वहाँ पे लो स्ट्रेंथ बोल्टिंग यूज होता है। ये जो लो स्ट्रेंथ बोल्टिंग है उसका एक रिस्ट्रिक्शन है कि जहां पे टेम्परेचर 200 डिग्री से ज्यादा है या तो -28 डिग्री से कम है वहां पे आप लो स्ट्रेंथ बोल्टिंग यूज नहीं कर सकते। इसको छोड़ के सारी जगह पे हाई स्ट्रेंथ बोल्टिंग यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन स्टील मटेरियल शैल यूज एंड व्हेन अलॉय स्टील मटेरियल शैल बी यूज। ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है, कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील इसमें क्या फर्क होता है, कहां पे आप कार्बन स्टील यूज करोगे कहां पे आप अलॉय स्टील यूज करोगे। तो ये मेनली डिपेंड करता है सर्विस फ्लूइड पे, प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। ये तीन चीज मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है। जो कार्बन स्टील होता है वो नॉर्मली अप टू 425 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज होता है, और अलॉय स्टील है वो 426 डिग्री एंड अबो जहाँ पे सर्विस टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, तो वहाँ पे आप अलॉय स्टील यूज करते हो। कोरोसिव सर्विसेज हो गई जहाँ पे हाईली कोरोसिव है, जहाँ पे एसिड ये सब हैंडल कला रहता है, वहाँ सब हैंडल कला रहता है, वहाँ पे स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, वो भी वन काइंड ऑफ एलॉय स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आर गैल्वेनाइज्ड पाइप आर यूज। जो कार्बन स्टील पाइप होते हैं उसको गैल्वेनाइज किया जाता है उससे कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने ये सारे पाइप जरूर देखे होंगे क्योंकि जो नॉर्मली घर में जो प्लम्बिंग होता है वो जो पहले वो गैल्वेनाइज पाइप से होता था, नाउ वाडेज तो सब लोग एचडीपी पाइप ही यूज़ करते हैं या तो सीपीवीसी पाइप यूज़ करते हैं, बट अगर आप पुरानी बिल्डिंग्स वहाँ पे जाओगे तो आपको ये गैल्वेनाइज पाइप वाटर पोर्टेबल वाटर में देखने को मिल जाएंगे। प्लांट में भी गैल्वेनाइज पाइप अभी भी कहीं जगह पर पोर्टेबल वाटर सर्विस हो गया, इंस्ट्रूमेंट एयर प्लांट एयर जैसी नॉन क्रिटिकल सर्विसेज हो गई वहाँ पर गैल्वेनाइज पाइप यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, From which size onward nominal bore of pipe is equal to outside diameter of the pipe? अगर आपने मेरा आगे वाला वीडियो देखा है तो आपको nominal bore क्या है वो पता होगा। अभी ये क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है। अप टू 14 इंच से जो छोटे वाले साइज के पाइप है उसका जो आउटसाइड डायमीटर है वो पाइप के साइज से ज्यादा होगा। मतलब अगर 10 इंच का पाइप है तो 10 इंच का पाइप का ओडी 10 इंच नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। बट ये ही केस में अगर 14 इंच से अबो कोई भी साइज में देखोगे तो उसका जो ओडी है वो सेम रहेगा। जैसे 20 इंच का पाइप है तो उसका ओडी 20 इंच ही रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो पाइप है उसका ओडी फिक्स रहता है, बाय कोड इट इज फिक्स। तो आपका पाइप का जैसे जैसे थिकनेस बढ़ता जाएगा उससे क्या होगा कि आपका जो आईडी है इंटरनल डायमीटर वो कम होता जाएगा, ओडी मतलब आउटसाइड डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ लॉन्ग रेडियस एंड शॉर्ट रेडियस एल्बो। तो जो पाइप एल्बो है वो दो डिफरेंट रेडियस में अवेलेबल है, पहला है लॉन्ग रेडियस एल्बो एंड दूसरा है शॉर्ट रेडियस एल्बो।
तो जो लॉन्ग रेडियस एल्बो है उसका जो रेडियस है वो 1.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाइप है, एंड जो शॉर्ट रेडियस एल्बो होता है उसका रेडियस होता है जो पाइप का डायमीटर है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि जो लॉन्ग रेडियस एल्बो है मतलब उसका जो कर्व का रेडियस रहता है वो 1.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाइप। अगर 2 इंच का पाइप है तो उसका जो रेडियस रहेगा वो आपका 2 × 1.5 रहेगा, ठीक है। और अगर ये शॉर्ट रेडियस एल्बो है तो वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लॉन्ग रेडियस एंड शॉर्ट रेडियस एल्बो आर यूज। अभी जो दो टाइप के ये लॉन्ग रेडियस एंड शॉर्ट रेडियस एल्बो आते हैं तो कहाँ पे मतलब कहाँ पे यूज में फ़र्क हो जाता है। तो अगर आपका फ्लूइड है कोई भी गैस हो गया तो लिक्विड हो गया वॉट एवर आपका जो फ्लूइड है उसको अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है और अगर आपका पाइपलाइन में बहुत फ्रिक्वेंट डायरेक्शन चेंजेस है तो वहाँ पे आप लॉन्ग रेडियस एल्बो यूज़ करोगे, शॉर्ट रेडियस नहीं यूज़ करोगे। क्यों? कि जो शॉर्ट रेडियस एल्बो होता है उसमें लॉसेस जो हेड लॉसेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको लॉस को कंपनसेट करने के लिए आपको जो आपका पंप या तो कंप्रेसर है जो फ्लूइड को पुश कर रहा है वो हायर कैपेसिटी का यूज़ करना पड़ेगा विच विल एड टू योर कॉस्ट। तो जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है और फ्रीक्वेंट चेंजेस है डायरेक्शन के वहाँ पे लॉन्ग रेडियस एल्बो यूज होता है। तो शॉर्ट रेडियस एल्बो कहाँ पे यूज होता है? तो जहाँ पे स्पेस का कंस्टेंट है, मेनली जो शिपिंग कंटेनर्स रहते हैं, ऑयल टैंकर्स रहते हैं, वहाँ पे जो पाइपिंग होता है वहाँ पे शॉर्ट रेडियस एल्बो यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज के लिए जगह चाहिए वो कम रहती है। रिफाइनरी हो गया, पावर प्लांट हो गया, कोई भी प्रोसेस प्लांट हो गया, वहाँ पे आप लॉन्ग रेडियस एल्बो ही देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली वेयर डू वी यूज एसेंट्रिक रिड्यूसर एंड कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। अगर आपने जो पाइपिंग कंपोनेंट वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको दो रिड्यूसर के बारे में बताया था, एसेंट्रिक रिड्यूसर एंड कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। एसेंट्रिक रिड्यूसर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जहाँ पे आपको बॉटम एलिवेशन ऑफ द पाइप मेंटेन करना होता है, जैसे पाइप रैक में हो गया, वहां पे जो भी लाइन में साइज चेंजेस होता है वहां पे एसेंट्रिक रिड्यूसर यूज होता है। इससे क्या होगा कि आपका जो पाइप का बॉटम एलिवेशन है वो मैच होता रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ पे होता है? तो वर्टिकल लाइन में यूज होता है जहाँ पे आपको पाइपलाइन का सेंटर लाइन मेंटेन करना होता है। तो ये दो चीज़ है वो आपको याद रखनी है, एसेंट्रिक रिड्यूसर हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर वर्टिकल लाइन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पंप की सक्शन लाइन है वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यूज नहीं होता है, क्योंकि उसमें एयर पॉकेट एक्यूमुलेट होने का चांसेस रहता है। तो जो पंप की सक्शन लाइन है वहाँ पे आप एसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हो जिसका फ्लैट अप रहता है। मतलब नॉर्मली एसेंट्रिक रिड्यूसर में क्या होगा कि जो फ्लैट साइड है वो डाउन रहेगा, बट जो पंप का सक्शन लाइन है उसमें ये एसेंट्रिक रिड्यूसर यूज होता है, बट उसका जो फ्लैट साइड है वो टॉप साइड में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच साइड ऑफ द पाइप विल यू टेक द ब्रांच कनेक्शन। जब आपका फ्लूइड गैस है, एयर है, स्टीम है या तो क्रायोजेनिक सर्विसेज है, तो आपका जो ब्रांच कनेक्शन है वो टॉप साइड से होगा, और जब आपका फ्लूइड है वो लिक्विड है तो ब्रांच कनेक्शन है वो बॉटम साइड से होगा। हाउएवर ये क्या ये प्रिफर्ड ऑप्शन है? इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप प्लांट में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी जो लिक्विड लाइन है उसमें जो टॉप साइड से भी जो ब्रांच कनेक्शन है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी प्रोवाइड हाई पॉइंट वेंट एंड लो पॉइंट ड्रेन इन पाइपिंग। हाई पॉइंट वेंट है वो लाइन में से एयर रिमूव करने के लिए यूज होता है। जब भी आप लाइन का हाइड्रोटेस्ट करते हो या तो अब जब आप लाइन को सर्विस में लेने वाले हो तब उसको लाइन को जो भी फ्लूइड है उससे लिक्विड फ्लूइड से फिल करना है, तो उस टाइम पे हाई पॉइंट वेंट का यूज होता है एयर को रिमूव करने के लिए। लो पॉइंट ड्रेन का यूज होता है लाइन को ड्रेन करने के लिए आफ्टर हाइड्रोटेस, या तो जब आप शट डाउन कर रहे हैं तो आप लाइन को खाली करना है तो लो पॉइंट ड्रेन से आप लाइन को खाली कर सकते हो। व्हाट इज जैकेटेड पाइपिंग? अभी नाम ही जैकेटेड पाइपिंग है तो आपको पता चल गया होगा कि ये पाइपिंग में कोई जैकेट तो होगा ही, क्योंकि नाम जैकेटेड पाइपिंग है। तो अभी जैकेटेड पाइपिंग में क्या होता है, जो मेन प्रोसेस लाइन होती है उसके ऊपर एक दूसरी लाइन मतलब सेम पाइप का एक जैकेट बनाया जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज आप बोल सकते हो कि पाइप के अंदर पाइप, जो इनसाइड वाला पाइप है उसमें प्रोसेस फ्लूइड जाएगा आपका, और जो आउटर पाइप है आइदर स्टीम या तो हॉट ऑयल होता है जो नॉर्मली जैकेट में से पास होता है, और जो आपका प्रोसेस फ्लूइड है तो वो हीट करता रहता है। जैकेटेड पाइपिंग नॉर्मली ऐसे फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है और जिसको एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए वहाँ पर यूज होता है।
अगर आप रिफाइनरी में काम कर रहे हो तो सल्फर रिकवरी यूनिट जो होता है वहाँ पे आपको जैकेटेड पाइपिंग देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो सल्फर होता है उसको लिक्विड स्टेट में रखने के लिए जैकेटेड पाइपिंग यूज होता है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट पाइपिंग तो आप मेरी वेबसाइट hard@engineer.com पे जा सकते हो। वहाँ पे पाइपिंग रिलेटेड बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है। See you soon. Goodbye. Take care.